इस आयोजन के आयोजकों को भी मैं बधाई दूंगा कि एक बुलंद मुद्दे पर उन्होंने आयोजन आज जिस दौर में हम बातचीत कर रहे हैं और हमारे अध्यक्ष के यादव जी ने जो बात कही मैं उसी को जोड़कर आगे बढ़ा रहा हूं कि ऐसे आयोजन आगे भी होते रहे इसके लिए जरूरी है कि उस माहौल को बचाए रखा जाए कि इस तरह की ताकतें जो वैचारिक और सांस्कृतिक तौर पर सामाजिक न्याय विरोधी हैं उन्हें शिकस्त दी जाए ताकि अगले आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ऐसे आयोजन होना संभव है। इसलिए हमें एकजुट होने की जरूरत और मैं शुरुआत में ही हाजी निसार साहब की बात से अपनी सहमति दर्ज करता हूं। सहमति इसलिए भी जरूरी है और शुरुआत में जो सबसे पहला वक्तव्य हुआ था मैं उनको भी इसमें जोड़ करके अपनी बात कह रहा हूं। उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात कही कि बहुजन नायकों की श्रृंखला में सबसे ज्यादा ओबीसी तबके से आने वाले नायक हैं, उनकी तस्वीरें उनके विचार हैं, तो उन्हें तो दलित तबके ने अपना लिया और ओबीसी तबके से आए हुए लोग दिल पर हाथ रख करके एक बार विचार करें को उन्होंने देखा। और जब हाजी निसार साहब बोल रहे थे इस बात से सहमत असहमत हुआ जा सकता है कि यह मंच उसके लिए है या नहीं, लेकिन पसमांदा आंदोलन को जब मैंने पढ़ा समझा जाना और इस तरह के तमाम आंदोलनों को जाना, मैं एक पड़ोस के आजमगढ़ जिले का रहने वाला, मेरे पिताजी पुराने कॉमरेड हुआ करते और जब बहुत छोटा हुआ करता था तो अपने साथ गोष्ठियों में ऐसी गोष्ठियों में ले जाया करते थे, तो मैं भी उनसे तस्वीरों को देख करके पूछा करता था, तो अमूमन उस समय की तस्वीरों में सबसे ज्यादा तस्वीर होती थी गांधी की, तो मैं पूछता था ये कौन, तो वो बताते थे ये गांधी है, ये भगत सिंह है, ये डॉक्टर अम्बेडकर है। इन तीन लोगों से परिचय मेरे पिताजी ने कराया, लेकिन उसके बाद की पूरी तालीम में कोई वैचारिक ट्रेनिंग हमें नहीं मिली। हमारे सिलेबस हमारे पाठ्यक्रम ऐसे बनाए ही नहीं गए कि जिसमें वैचारिक रूप से ताकतवर पीढ़ियां हैं, वो आज भी क्लर्क और बाबू बनाने की एक डिग्री बांटने की एक संस्थानी बनकर रह गए। मैं तो चंद्रभूषण जी जब बोल रहे थे तो चंद्रभूषण जी जैसे लोगों को तो हम पढ़ते रहते, इनके कामों को पढ़ते रहते, और असल में जब हमने किताबें पढ़ना शुरू किया, हमने पहली बार जब जाति का विनाश पढ़ा, हमने हिंदू बनाम हिंदू पढ़ा, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार को पढ़ा, फूले साहब को जाना, गुलामगिरी पढ़कर और इन तमाम वैचारिकी को जाना, तब जाके समझ में आया कि जो शिक्षा मिली उसने तो डिग्री दी, उसने नौकरी दी मुझे, लेकिन जो चेतना मिली वो इन महापुरुषों को। और मैं यह बात दावे से पहले कह सकता हूं कि मेरे जैसी डिग्रियां पाए हुए और मैं जिस पद पर हूं उस पद पर तो 10,000 से ज्यादा शिक्षक हैं केवल मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में, लेकिन अगर उन 10,000 शिक्षकों के बीच से आपने मुझे यह आमंत्रित किया तो फिर उस डिग्री की वजह से नहीं, मेरी इस काबिलियत की वजह से। इसलिए ऐसे हर मंच पर एक स्वीकारोक्ति करता, वो स्वीकारोक्ति यही है कि जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा गया तो इलाके में मैं पहला, और उस समय लगता था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय टॉप करने के बाद जब मेरे प्रोफेसर ने कहा कि अजरों के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़ करके भाई विश्वविद्यालय टॉप करेंगे तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे, तो थोड़ा झटका तो वहां लगा था,
ये अलग बात है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं था तो मेरा घर धुआने के बाद थोड़े पता चला जो जरूरी थी, लेकिन कुछ बातें तो कहनी चाहिए। आपने मुझे बुलाया है तो मैं बोल गया। और वो सारी तालीम एक तरफ, और मुझे अक्सर ये लगता था कि मेरे घर वालों ने जो त्याग और तपस्या की मेहनत की उसकी वजह से मैं प्रोफेसर बना। मगर जब मैंने भारत का संविधान और मंडल कमीशन पढ़ा तब मुझे लगा कि घर वाले तो लाखों लाख लोगों के चाहते ही रहे होंगे कि उनके बच्चे प्रोफेसर बने, मगर संविधान भारत का और मंडल कमीशन लागू न होगी तो हम वहां प्रोफेसर न बन पाए। क्योंकि हमारे पहले तो बहुत लोग पढ़ते थे, वो अपनी हुनर काबिलियत से थोड़े बहुत अपवाद स्वरूप में पहुंच गए होंगे विश्वविद्यालय। और 2019 में जब हमने यह अध्ययन लगाई कि देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कितने कुलपति किस किस जाति के हैं, तो 596 कुलपतियों में से देशभक्त विश्वविद्यालयों में केवल 6 कुलपति दलित, 6 कुलपति आदिवासी और 36 ओबीसी जातियों के, तो जिन्हें हिंदू कहा गया था और उनकी नुमाइंदगी नहीं तो फिर हिंदू कैसे होते। मैंने अपने अध्याय में पूछा कि देशभर के केंद्रीय विश्वविद्यालय में कितने प्रोफेसर आपके हैं, तो 2019 तक पता चला कि जिनकी आबादी मंडल कमीशन में 52% बताई गई उनके प्रोफेसर तो शून्य हैं। कहां गया वो हिंदू राष्ट्र, कहां गया वो हिंदूपन जो ओबीसी अपने कंधे पर ढो रहा है। अगर आप अच्छे हिंदू थे तो आपको प्रोफेसर बनने से कौन रोक रहा, अगर आप अच्छे हिंदू थे तो आपको वाइस चांसलर बनने से कौन रोका, आज आपके जज कितने हैं ये भी पता लगा, आपके कितने ब्यूरोक्रेसी में टॉप कैबिनेट सेक्रेटरी तक कितने लोग हैं, ये सारे आंकड़े जब हमने पढ़े समझे तब ये समझ में आया कि हमें अब वैचारिक काम करना है। इसलिए ऐसी संगोष्ठियों में बिना कुछ सोचे समझे हां बोल देना है, जहां इस बात पर चर्चा हो कि आजादी के 75 साल। और तब मैं यह बात कह रहा हूं कि हम एका की बात कर रहे हैं, हम एका की बात कर रहे हैं। अगर एका की बात आप करने आए हैं तो आपको पसमांदा आंदोलन की आवाज को सुनना होगा और उस भरोसे को फिर से जीतने की कोशिश करनी पड़ेगी जो आपका ही जीता हुआ था और आज आपसे छिटक रहा। यह भरोसा तो आपका ही, अगर आज आपका वोट बैंक आपकी जमीन के नीचे से खिसक गया है, भीड़ तो बिहार में भी बहुत आ गई थी, परिणाम क्या हुआ, आज जिनसे आपकी लड़ाई है वो दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। पहला, वो किसी भी स्तर पर जाकर के किसी भी अनैतिक स्तर पर जाकर के आपको शिकस्त देने की कोशिश कर, और बिहार में काम उन्होंने किया, आपके यहां पंचायत चुनाव में उसकी बांधी उन्होंने दिखा दी। क्या सीख लिया आपने उनसे, नहीं बनने दिया आपका उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष और आप 4.5 साल तक कहां थे। आज हम इस सभा में तो कह सकते हैं बाहर हमें लड़ना है जिनसे, वो तो क्लियर है क्योंकि उनके हर एक दमन का, हिंसा का, अत्याचार का सामना अगर किसी ने किया है तो ऐसे ही गांव के लोगों ने किया है, किसी नेता के घर जाकर के कोई दमन नहीं। जो बूथ पर लड़ा है असल कांग्रेस को वो कर रहा है, उसे मिला क्या, उसे वैचारिकी भी नहीं मिली और उसने हिंसा झेला। इसलिए जो हमारा प्रतिद्वंदी है वो दो काम एक साथ कर रहा है, वो किसी भी स्तर पर अनैतिक होकर के सत्ता पाने की कोशिश करेगा तो क्या वो उत्तर प्रदेश को छोड़ देंगे जिसके लिए उन्होंने पूरे देश में आग लगाई थी और जिसका जिक्र अभी चंद्रभूषण जी कर रहे थे, मिले मुलायम कंशी राम हवा हो गए जयचंद राम, 19 में तो फिर मिले, फिर कहीं विश्लेषण करना पड़ेगा कि कहां चूक रहे थे। और दोनों लोगों इस देश में एक ही लालू यादव था जिसने कभी फिरकापरस्तों के सामने झुकना नहीं कबूल किया, वो मेरे को उस पड़ाव पर जाकर के वो जेल में। और फिर मैं कह रहा हूं कि आपको आपको सत्ता मिल नहीं गई तो क्या आप वह काम कर पाएंगे जो स्टालिन कर रहे हैं तमिलनाडु में, अगर आपकी नजर है तो स्टालिन की नजर, और एक से एक फैसले नीट में ओबीसी आरक्षण की बात थी
मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश बिहार की बहुसंख्यक पिछड़े तबके की आबादी को यह पता ही नहीं रहा होगा कि नीट में उनके बच्चों के लिए कोई आरक्षण लागू होगा। बहुसंख्यक आबादी को नहीं पता रहा और इसमें चूक दोनों लोगों की, सबसे पहले हमारे जैसे लोगों की जो बुद्धिजीवी होने का दावा करते हैं। मैं तो फिलहाल कोई दावा नहीं, मैं तो वही में पढ़ रहा हूं, सीख रहा हूं। तमाम लोग जो प्रोफेसर है, इंजीनियर है, डॉक्टर, उन्होंने अपने समाज को जागरूक नहीं किया। और दूसरा नेता, उसे पता ही नहीं, क्योंकि हमारे यहां अब वो जागरूकता नहीं है। तो वो लड़ाई कहां से लड़ेंगे? तमिलनाडु से। पुजारी बनने, हम असहमत हो सकते हैं कि पुजारी बनने की क्या जरूरत, हम तो मंदिरों को ही नकारते हैं। लेकिन स्टालिन का, बाबा साहब का वो एक टेक्स्ट है ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसके आखिर में बाबा साहब कहते हैं कि पुजारी का इम्तिहान कराना चाहिए। ये नई जाति के लोग पुजारी क्यों होते हैं? देश में जातिवाद क्या है, ये दो जगह समझ में आता है। नाली में घुस करके गटर साफ करने वालों की जातियां पूछिए और मंदिर में बैठ करके चंदे पर जीवन यापन करने वालों की जातियां पूछिए, आपको समझ में आ जाएगा जातिवाद क्या है। उसे तोड़ा हुआ हमने, हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जल्दी सामाजिक न्याय का लाभ लेने वाले लोगों की सरकारें बनी, उन्होंने अच्छे काम किए, बहुत अच्छे काम किए उत्तर प्रदेश और बिहार। लेकिन कुछ तो ऐसा किया कि आपके हाथ से चीजें फिसल गई, इसका विश्लेषण करना होगा, तब एकजुटता की बात करना सार्थक होगा। वरना आप अगर हिचकेंगे कि देश में 300 से ज्यादा मुसलमानों की लिंचिंग केवल उनकी दाढ़ी और टोपी देख करके हो गई है, और उसके बीच में अगर पसमानता आंदोलन के लोग कहते हैं कि हिंदू हो या मुसलमान, दलित पिछड़ा एक समान, और आप अगर नहीं सुनेंगे तो फिर चूक आपकी है, खामियाजा। आज इस देश में सांप्रदायिकता को ध्वस्त करने की अगर सूत्र कही है तो वो उनमें है, वंचित शोषित लोगों की एका। इतनी सी सामान्य सी बात है, यही एक दो बात कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम लूंगा कि सबसे पहली कोशिश, क्योंकि बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे, बहुत बहुत सम्मानित लोग बैठे, मैं एक अपील करने आया हूं कि आप अपनी वैचारिक जमीन को अगर मजबूत नहीं करेंगे तो केवल राजनीतिक जमीन से कोई सत्ता परिवर्तन, कोई आर्थिक क्रांति, कोई सामाजिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति नहीं होने वाली। सत्ता गुरु की नहीं कहते थे ना माननीय कंशीराम, तो गुरु के लिए तो हंसी हुई और आपने काम किया है। जब भी कोई लखनऊ से लेकर दिल्ली जहां अक्सर रहते हैं, नोएडा में जाकर देखिए, तमाम महापुरुषों की मूर्तियां लगी हैं, सामंतवाद की छाती पर चढ़कर अपने प्रतीकों को कैसे स्थापित किया है। लेकिन जो चूक रह गई हमारी जिम्मेदारी है कि उस खरी खरी बात को कहा जाए कि आपके अपने लोग कैसे बेकार हो गए, आप भरोसा जीतने में कहां चूक रहे और क्यों अपनी विरासत को आप क्लेम नहीं कर रहे। संसद में जाकर आखिर में कहना पड़ा ना कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम जाति जनगणना जरूर कराएंगे। आज इस देश का सबसे बड़ा सवाल अगर कोई है तो वो कास्ट सेंसस है, जाति जनगणना है, ताकि पता चल जाए कि शोषकों की कितनी आबादी है और शोषितों की कितनी आबादी है। इस देश के सत्ता संसाधन और हिस्सेदारी में कौन है जो कब्जा किए बैठा है और कौन है जिसके घर के बच्चे जब स्कूल में होना था तो राम मंदिर आंदोलन, जिन्हें यूनिवर्सिटी में होना था तो वो हिंदू वाहिनी और बजरंग दल में शामिल होकर के हिंदू राष्ट्र बनने में शामिल हो गए। ये चूक हमारी है, दंगाई बनाया है उन्होंने सबसे ज्यादा हमारे घर के बच्चों और अपने घर के बच्चे को जय शाह बनाकर के बीसीसीआई का चेयरमैन बन गया है और अरबों रुपए को मार दिया। यही मूल सूत्र है। बाकी इस चूंकि बुद्धिजीवियों की गोष्ठी है इसलिए बुद्धिजीवियों के सामने मैं बस अपनी बातें इशारे में कहते जा रहा हूं कि हमने गनीमत है कि अब उन लोगों की तस्वीरें लगानी शुरू कर दी जिनकी किताबें हमारे घरों में होनी चाहिए। लेकिन मैं इसे भी अच्छा मानता हूं कि चलिए एक कदम आगे बढ़े हैं हम। अगर ऐसे कार्यक्रमों में थोड़ा कार्यक्रम का स्वरूप ऐसा था, लेकिन ऐसे कार्यक्रम जब गांव में होंगे और इस सभागार में महिलाएं और बच्चे शामिल होंगे तब मैं एक सफल कार्यक्रम से मानूंगा, क्योंकि वो जो बच्चे घर में जाएंगे
तो जैसे मैंने अपने पिताजी से पूछा था, वो बच्चे घर जाकर जरूर पूछेंगे कि अशोक महान ने क्या किया था कि आपने मुझे तस्वीर वहां लगाई थी। ये वैचारिक क्रांति। इसलिए पहली बात जो मैंने अपील की वो यही कि अगर आपके भरोसे खोए हैं उस तत्वों से तो जीतना आपके जिम्मेदार है। उन्होंने उन्हें अपना लिया जो उनके वैचारिक शत्रु। बिरसा मुंडा का जयंती स्मरण दिवस होता है 15 नवंबर और देश का प्रधानमंत्री जाकर के बिरसा मुंडा के सामने दंडवत हो जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर के साथ मूर्तियों के सामने दंडवत होता है। फूले और बेलियार को स्वीकार करता है जबकि वह काम ठीक उनके उलट का है। इस ऐसे धोखे के वक्त में जब वो नारा देता है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वह इस देश के मुसलमानों के लिंचिंग करवा रहा है, वो इस देश के दलितों का फेक एनकाउंटर करवा रहा है, वो इस देश के पिछड़ों के घरों पर बुलडोजर चलवा रहा है। इसलिए अब जिम्मेदारी किसकी है? वो जिम्मेदारी उसकी है जिसको मौका मिला। तो दूसरी बात कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति के बिना अगर राजनीति सत्ता हासिल होती रही तो फिर वो किसके लिए काम करेगी? किसे वो मानेगी कि ये तो हमारे ही होता है, ये जाएंगे काम? इसलिए अब आपको जरूरत इस बात की है कि पहले तो एक एकजुट होकर के ऐसी ताकतों को हाशिए पर ढकेलिए जो 75 साल बाद बहुजनों की हालत यहां तक पहुंचाए हैं। और मैं आखिरी बात जो कहना चाह रहा हूं, हम भले इस कार्यक्रम में यह विमर्श कर रहे हैं कि 75 साल बाद बहुजनों की जो हिस्सेदारी है भागीदारी है वो कितनी है, तो हमारे पास आंकड़े हैं। हम कहेंगे कि अब अभी दिल्ली विश्वविद्यालय उतना बचा हुआ है जितने में हम यहां आकर बोल रहे हैं, JNU उतना बचा हुआ है जितने में वहां एक छात्र आंदोलन खड़ा होगा। आप अपने जिले के स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय की आगे देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके बच्चों से अब सब कुछ छीन लिया गया है और हर चौराहे पर एक मंदिर बन रहा है और अब आपको मंदिर ही अंत में आपके बच्चे को वहीं पहुंचाएगा। तो उतना सा स्पेस बचा है 75 साल बाद। मैं ये नहीं कह रहा कि 75 साल में कुछ भी नहीं हुआ बहुजनों का। बहुजनों के लिए भारत का संविधान लागू था तो एक तबका तैयार हुआ जिसने बहुजनों को इस काबिल बनाया है कि वो आज तमाम देश के राज्यों में अपनी सत्ता में हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए कोई रोल मॉडल उनके पास नहीं। आर्थिक क्रांति के लिए क्या हमारे पूर्व के वक्ता बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, अगर आपके पास आर्थिक क्रांति के लिए वक्त नहीं है, वैचारिक क्रांति के लिए आपके पास सूत्र नहीं है, तो ऐसी गोष्ठियां अंततः कहीं नहीं ले जाती। हम लोग सुकून में बेशक यहां से जा सकते हैं, मैं भी खुश होकर जा सकता हूं कि मुझे आपसे बुलाया, इतना सम्मान दिया, मैं शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन अगर हम यहां से जाने के बाद कुछ ठोस नहीं लेके जा पाए, हम जहां चूक रहे हैं वह नहीं पकड़ पाए, तो हम जो दुश्मन खड़ा है, जो बहरूपिया खड़ा है, उस बहरूपिये से कभी जीत नहीं पाएंगे। इसलिए राजनीतिक स्थायी बदलाव, उसके साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव करना बेहद आवश्यक है। आपके पास एक आर्थिक क्रांति का मॉडल होना चाहिए और तब जाकर के 75 साल बाद जहां आप पहुंचे वो भारत के संविधान और मंडल कमीशन की वजह से पहुंचे। अगर इसके आगे कुछ जाएगा तो वो ये सवाल पूछेगा आपकी अगली पीढ़ी का व्यक्ति कि आपके सामने जब दुनिया कोविड से लड़ रही थी तो 3 कानून पास किए गए, पहला 3 कृषक कानून, 3 श्रमिक कानून और नई शिक्षा नीति 2020। आप इस बात को गांव गांव समझाइए कि इन 3 कानूनों ने आपके बच्चों का भविष्य पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। ये आजादी के 75 साल बाद हमें मिला है। नई शिक्षा नीति में स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय अब अंबानी अडानी के हाथों बेच दिए गए, जैसे श्रमिकों के सारे हक अधिकार उसी अंबानी अडानी जैसे पूंजीपतियों के हाथ बेच दिए। किसानों को इस बात का पता चल गया कि हमारी खेती और किसानी तक आपने पूंजीपतियों के हाथों बेच दिया, वो बैठ गए दिल्ली की सड़क पर और साल भर हो गया, 26 नवंबर को साल भर हो जाएगा, इस देश में छात्र आंदोलन नहीं हुआ। आप एक बात बताइए कि इस देश में छात्रों के लिए अगर अंबानी अडानी के हाथों दिल्ली विश्वविद्यालय JNU या आपके जिले के स्कूल और विश्वविद्यालय तो ऐसी बर्बाद, जैसे किसान आंदोलन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां खेती ऑलरेडी बर्बाद है।
जहाँ खेती थोड़ी बहुत बची है वो लोग लड़ रहे हैं, वैसे ही दिल्ली विश्वविद्यालय जेएनयू थोड़ा बहुत बचा है वो लड़ता है। लेकिन जैसे अगर हम ये सवाल पूछे कि अशोका यूनिवर्सिटी, गलगोटा यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी बनी हुई, उसमें आपकी डिग्री के लिए लाखों रुपए फीस होती है, किसके घर के बच्चों का कोई रिजर्वेशन है? और चंद्रभूषण की जो बात कह रहे थे उसी में जोड़ दे रहा, निजी क्षेत्र में कोई रिजर्वेशन। आप इस बात को अपने जिस भी नेता को आप मानते हैं, मैं तो कह रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश में 2022 में ऐसे तानाशाही, फासिस्ट, धोखेबाज, बहरूपिया लोगों को सत्ता से बेदखल करने के लिए जो भी कोशिश कर रही थी वो आप नहीं की। मैं अपने बार बार बहरूपिया क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे कबीर साहब की हिम्मत मिलती है, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा और दाढ़ी बढ़ाए जोगी हो ना बकरा। मुझे हिम्मत तो कभी साथ से होती है, माला तो कर्मे फेरी जीव फिरा मुख माए, मनवा तो 34 फिरा यह तो सुमिरन नाय। और ऐसे ऐसे बाबा लोग बैठ करके कहते हैं ठोक दो, इस उत्तर प्रदेश की जनता को अपने वोट से ठोक देना चाहिए, पूरा देश आपका शुक्र गुजार। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद आपको सोचना होगा कि आप एक ऐसी वैचारिक सांस्कृतिक जमीन बनाइए कि अगली बार कोई ऐसा बहरूपिया बाबा आपके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने की कुर्सी पर कभी न बैठ सके। उसके लिए जरूरी है सांस्कृतिक क्रांति, उसके लिए जरूरी है आर्थिक क्रांति, उसके लिए जरूरी है सामाजिक क्रांति। और वह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्रांति तभी होगी जब आप एनईपी यानी नई शिक्षा नीति पर भी आंदोलन करेंगे, मजदूरों के लिए भी आंदोलन करेंगे, किसानों के लिए भी आंदोलन करेंगे, आर्थिक नीतियों के लिए आंदोलन करेंगे। उसी मंडल परिषद में लिखा हुआ है भूमि का पुनर्वितरण, किसी में हिम्मत है तो कहिए चुनाव आ रहा है कि हम लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये आपका सवाल है, जाति जनगणना का सवाल है, आपके बच्चों के भविष्य में शिक्षा रोजगार का सवाल है। और यह पहली पीढ़ी 90 के बाद तो बहुजनों की आई जिसे शिक्षा रोजगार मिल रहा, और तुरंत उन्होंने सबको प्राइवेट हाथों भेज दिया, अपने बच्चों को भेज दिया विदेश में पढ़ने के लिए, और आपके बच्चों को समझा दिया कि 85% तुम्हारी आबादी भारत में, फिर भी हिंदू धर्म खतरे में है, चलो मुसलमानों की लिंचिंग करो। मुसलमानों में किसकी लिंचिंग की? हमारे मित्र हैं खालिद अली अंसारी, उन्होंने कहा 300 लिंचिंग हुई और उसमें सारे पसमानदार मुसलमान वाले हैं जो दलित पिछड़े थे। इस देश में एक एनकाउंटर किसके ऊपर हुआ? दलित पिछड़ों के ऊपर। इस देश में बुलडोजर किसके घर पे चला? दलित पिछड़ों का। तो अब भी क्या हम नहीं समझेंगे? तो बस एक वैचारिक सांस्कृतिक क्रांति की बात अगर हम नहीं करेंगे, सत्ता परिवर्तन हो यह तो बहुत जरूरी है, वरना अगली बार मैं 22 के बाद पता नहीं उत्तर प्रदेश में आने की हिम्मत कर पाऊंगा या नहीं, मुझे इस बात की खतरा तो यह हमारे सामने खड़ा हुआ। और ये केंद्र प्रकार ऐसे जुल्मी जालिमों को सत्ता से बेदखल करना चाहिए, इस बात को मऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कहने की जरूरत है, ताकि जो अपना व्यक्ति होगा उससे तो हम लड़ लेंगे। और वह लड़ाई बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार और अब्दुल कयूम अंसारी से लेकर के फूलन देवी और सावित्रीबाई फूले को लेकर जमीन पर खड़ी होकर लड़ी जानी चाहिए। मैं यही निवेदन करके आपसे गुजारिश करके कि हम वैचारिक लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए कम से कम मुश्किल सवाल को पूछें। और नेता आपके वोट से चुना हुआ व्यक्ति होता है, अपने घर में नेता को घर में जैसे होता है कि घर में अगर रोए ना तो बच्चे को मां भी नहीं पूछे, कई बार नेता को दिशा दिखाना भी जनता का काम होता है, दबाव डालना पड़ता है कि आप कहीं भटक न जाएं, आप राम मंदिर के अलावा कोई और मंदिर न बनाने लग जाएं, या बात भी हम कहेंगे आपसे, आपसे ये पूछेंगे कि जो नारा चला था मानवर कांशीराम ने ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ी थी ना, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, ये मानवर कांशीराम का नारा, चढ़ गुंडन की हाथी पर मुहर लगेगा, चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगेगा हाथी पर, वह नारा कैसे बदल के आ गया कि हाथी नहीं गणेश है भगवान विष्णु महेश। ये मुश्किल सवाल, इस बात को कहने के लिए हमें गालियां पड़ सकती है, पड़ेगा नहीं, हम किसी के वोट देकर के बुद्धिजीवी थोड़े ही बनेगा, हम किसी के थोड़े बोले।
आपसे ये भी कहते जा रहे हैं राम मंदिर पे चंदा दे करके या राम मंदिर के अलावा किसी और का मंदिर बना करके आप आरएसएस से कभी नहीं लड़ सकते। आरएसएस आज भी तमाम तरह से काम करने के बाद भी अपना वैचारिक काम कर रहा है, वो इस देश को गोल से गोल बनकर हेडगवार का हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में काम कर रहा है। हमारे नेता फूले अम्बेडकर पेरियार की दिशा में कोई काम नहीं कर रहे, इसलिए हमारा पद खतरा में पड़ा है। जाते जाते गुजारिश कि अपने नायकों को और अपने नेताओं को दोनों पर नजर रखे, एक को पढ़िए एक को पढ़ाइए। आने वाले बच्चे आप सभी आप कम से कम सुकून से कह सकेंगे कि जब इतना कुछ इस देश में हो रहा था तब आप क्या कर रहे थे। तो मैं भी आपके साथ कहने जाऊंगा कि मोहम्मदाबाद मऊ गोहना में एक वैचारिक गोष्ठी हुई थी जहां बहुत कड़वी बात भी कहकर के लोग चिंता कर रहे थे कि कैसे 22 में फासिस्ट तानाशाही जातिवादी और बहुरूपियों को सत्ता से बाहर किया जाए, इसका संकल्प लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।